अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। आज हमारे किचन में बनने लगा है चिकन स्पेशल बिरयानी। इसके लिए हम आ गए हैं कुकिंग की तरफ। इसमें सबसे पहले हम जो है वो पैन को हीट अप कर लेंगे। इसमें जो है 1 कप के करीब ऑयल ऐड कर लेंगे। उसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लिया, जिसमें ज़ीरा है, दालचीनी है और लौंग है। इन सबको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसमें मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन लिया था। इसको अच्छी तरह से जो है वो हम फ्राई कर लेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन करने तक इसको फ्राई करते रहेंगे। जब भी थोड़ा सा हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम अदरक लहसुन का 1 टेबल स्पून जो है वो पेस्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनमें प्याज और टमाटर है, इनको मैंने चॉप कर लिया था अच्छी तरह से चॉपर में डाल के। आप चाहें तो इसको पहले फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए चॉप किया था कि ये मिक्सर ज़रा प्रॉपर अच्छे से बन जाता है और उसके बाद इसको 3 to 5 मिनट्स के लिए हम फ्राई करते हैं तो ये प्रॉपर मिक्स हो जाता है इसके अंदर, चिकन के अंदर। इसको मैंने जो है सारे पेस्ट को मैंने चिकन में ऐड कर लिया था और मैंने जो ग्रीन चिलीज़ हैं उनको मैंने ऐसे ही कट करके इसके अंदर डाल दिया था। इसको मैंने चॉप नहीं किया था बिकॉज़ ये अच्छी लगती हैं और खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन आती है आप जब बिरयानी बना रहे होते हैं, और टेस्ट भी। उसके बाद मैंने पानी को जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें तकरीबन जब ये फुल हीट पकड़ चुका था पानी, तो मैंने इसमें 1 किलो के करीब जो है वो मैंने डाल दिए थे राइस बॉयल होने के लिए। और इसको हम उतना बॉयल करेंगे कि ये 1 कनी या 2 कनी चावल जो है वो तैयार हो जाएँ, यानी दम के जब हम इस पर दम लगाएँ तो वो 10 से 15 मिनट का जो दम होता है उसमें अच्छी तरह से गल जाए। फिर मैंने जो है ये बिरयानी मसाला ले लिया था नेशनल का, जो कंपनी आपको अच्छी लगती है आप उसका मसाला ले सकते हैं। ये एक बड़ा डब्बा था, यानी जिसमें 2 किलो के करीब जो है वो बिरयानी तैयार हो जाए, यानी 1 किलो राइस और 1 किलो आपका चिकन मिलके 2 kgs के करीब ही हो जाता है। यहाँ पर दोनों चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रही थी, जिसमें ये बिरयानी का जो मसाला है वो तैयार हो रहा था और साथ ही राइस बॉयल हो रहे थे। फिर मैंने इसमें 2 के करीब मैंने लेमन जो है स्क्वीज़ करके डाले थे। आप भी डाल सकते हैं इसके अंदर स्क्वीज़ करके, या पहले डाल लें फिर दही डाल दिया। दही डालने से आपको पता है कि ये टेस्ट बहुत ही अच्छा डेवलप हो जाता है जो ग्रेवी हम तैयार कर रहे होते हैं बिरयानी के लिए, मसाला हम जो रेडी कर रहे होते हैं। फिर मैंने इसको दम पर लगा दिया था। 3 से 4 मिनट दम के बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो तैयार हो चुका था बिरयानी का मसाला। ये देखें बड़ी खूबसूरत से लुक आ गई थी। यहाँ पे ये राइस बॉयल हुए हुए थे। मैंने इसको क्योंकि लेयर्स लगानी होती हैं तो बाकी मटेरियल जो है वो मैंने निकाल लिया था प्लेट के अंदर, और फिर फर्स्ट लेयर मैंने लगाना शुरू की थी। नीचे जो पहली लेयर का मसाला था वो छोड़ दिया था अपना कढ़ाई में। ये मैंने पहली लेयर लगाना शुरू कर दी थी। इसमें जो है वो हम साथ ही दूसरी लेयर का भी जो है वो चिकन ऐड कर देंगे जो मैंने ऑलरेडी प्लेट में निकाला हुआ था। इसमें मैं थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया फ्रेश लिया था, पार्सले जो होता है उसको मैंने चॉप करके थोड़ा सा ऐड कर दिया था, और साथ में मैंने जो है वो बनाया हुआ था इसका जो ज़रदा कलर होता है वो भी आपने ऐड करना है। अगर आप दूसरी लेयर में ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो सबसे एंड पे उसको प्रॉपर जो है वो ऐड कर दिया था, यानी इसको मैंने ड्रॉप्स की शक्ल में ऊपर स्प्रिंकल किया था। ड्रॉप्स की शक्ल में आप किसी एक जगह पे भी इसको डालना चाहते हैं तो जब आप मिक्स करेंगे तो ये प्रॉपर कलर आ जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको इस तरह से स्प्रिंकल करके डाल दिया था पूरी बिरयानी के ऊपर। फिर मैंने इस पे जो है वो लास्ट अपने जो राइस रह गए थे उसको डाला, और उसके बाद इसको मैंने जो है वो हार्डली 5 मिनट्स के लिए जो है वो मैंने दम पे लगा दिया था बिकॉज सारी चीज़ें कम्प्लीट तैयार थी। राइस भी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली तैयार थे, मसाला भी प्रॉपर तैयार था। 5 मिनट दम लगाने के बाद फिर जब मैंने दम खोला तो बड़ी ही ज़बरदस्ती जो है वो चिकन बिरयानी तैयार थी और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयार हुई थी। आप भी जो है इसको ज़रूर ट्राई करके देखें, बड़ी आसानी से घर में तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। अपने मेहमानों को, अपने बच्चों को किसी भी टाइम बना के खिलाएँ, और इसको जो है वो आप सर्व करें। अगर आपको ये मेरी जो वीडियो है बिरयानी की पसंद आई हो तो इसको ज़रूर जो है वो अपने घर में ट्राई करें, ठीक है, और अपने क्लोज वंस को जो है वो खिलाएं पिलाएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।